हेलो बच्चों बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है आपकी जेई मेन की, एडवांस की और केवीपीवाई की? बढ़िया चल रही है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। जब टू डायमेंशन मोशन होता है तो पार्टिकल की डिस्टेंस ट्रैवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये समझना। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अगर पार्टिकल का लोकस ये है, लोकस समझते हैं, ट्रेजेक्ट्री, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी, उसको देख लेना अगर नहीं पता है आपको। तो मतलब लोकस ये पाथ है, ये आपको दे रखा है, और मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ठीक है? मतलब एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक। ये मैथमेटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और फिजिक्स के लिए भी। मतलब इस कर्व की ये लेंथ पता करनी है। तो भाई क्या तरीका हो? तो इसके दो तरीके हैं, क्लियर है? दो तरीके हैं। पहले वन बाय वन समझाता हूं। देखो क्या करते हैं बच्चों, जैसे कोई कर्व है, मान लो, अभी दोबारा बनाएंगे इस डायग्राम को, पहले आपको समझा देता हूं मैं। जैसे ये कर्व है, ठीक है? आप इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, ये इसकी लेंथ पता करें। तो ये ध्यान से देखो, अगर मैं यहां एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहा हूं ऐसे, क्लियर है बच्चों? ये कई बार मैंने उसमें स्लोप वगैरह फाइंड करने में सिखाया आपको। तो ये छोटी सी लेंथ है एक्स की, बहुत बहुत छोटी, मतलब पिद्दी वैल्यू है एक्स की, मतलब स्मॉल वैल्यू। तो कितना लिख देंगे इसको, डी एक्स। ये बहुत छोटी, ओ सॉरी, डी वाई। और ये बहुत छोटी लेंथ है एक्स डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिख देंगे, डी एक्स, ठीक है? अब ये ट्रायंगल बहुत छोटा है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैंने यहाँ बना लिया इसको। ये येलो वाली लाइन ये है, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ये डी एक्स सॉरी डी वाई, ये डी एक्स और ये डी जेड हो गया, क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम कहेगी कि डी जेड स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ठीक है? समझ में आया बच्चों? अब आप कहोगे कि सर ये तो हमें भी पता है, अब इससे आगे कैसे सोल्व हो? तो देखो, डी जेड इक्वल टू कितना होगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ठीक है? अगर टोटल लेंथ पता करनी है ये, ठीक है, तो टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन, क्लियर है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहां लिखूं, टोटल लेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। ओ अगर इसे डी जेड कैलकुलेट करें तो रूट आ जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, क्लियर है? ऐसे मैंने क्या काम किया, यहां से डी एक्स इंटी कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है? अगर सिंपल याद रखने के लिए लिखा जाए इस फॉर्मूले को, तो थोड़ा सा इजी वे में लिखता हूं मैं, वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर और इसका रूट और डी एक्स, डी एक्स बाहर है, मतलब ये टोटल लेंथ आ गई, ठीक है? आज से याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन में भिड़ा देना, आंसर आएगा। अब मैं इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, एक्स की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर कर्व है, वह इंटीग्रेशन की लिमिट भी तो होगी। जैसे ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये ए है एक्स की वैल्यू और ये बी है, तो लिमिट हो जाएगी ए टू बी। ज्यादा अच्छा होगा मैं एक्स वन एक्स टू लिखूँ, आपको याद भी रहेगा कि एक्स की लिमिट है, वैसे तो आपको पता है एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन मैं एक्स वन एक्स टू लिख देता हूँ, ठीक है? ये एक्स वन एक्स टू, मतलब एक्स वन की इनिशियल वैल्यू और एक्स टू की फाइनल वैल्यू, क्लियर है? तो इस तरीके से आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन सिखाता हूँ इस पर। देखो, मतलब इसका क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन आया कि एक पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल यही, मैं बड़ा इजी सा केस ले लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मेरी वीक है, तो मैं इजी से केस लूंगा। ऐसे ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, वाई इक्वल टू एल्फा एक्स स्क्वायर, क्लियर है? आपसे पूछा जा रहा है कि पार्टिकल यहां से लेके यहां तक, मतलब एक्स की वैल्यू है ये ए और ये बी, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये यानी कि लेंथ पूछ रहा है आपसे आर्क की। तो देखो, हमारे पास फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं यहां डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेता हूं इससे, ठीक है?
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, टू अल्फा एक्स, ठीक है। अब देखो टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। अच्छा अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इंटीग्रेशन अगर आपको बेहतरीन आने चाहिए अच्छे से, तो x की वैल्यू a रखो, y की वैल्यू b रखो, ठीक है, और इंटीग्रेशन करो 1 प्लस अंडर रूट, ये देखो फॉर्मूला था ना, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना है, 2 अल्फा एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, मुझे इंटीग्रेशन मेरा कमजोर है, आपको आना चाहिए, आप बढ़िया से सॉल्व करिए इसको, क्लियर है। तो ये सबसे पहला फंडा मिला आपको कि कैसे लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, x की वैल्यू a से b दे रखी है आपको। जनरली जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन करोगे, इरोड वगैरह को सॉल्व करोगे, तो वहां टाइम दे रखा होता है कि t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू थ्री सेकेंड तक लेंथ पता करो, उसको कैसे किया जाता है, तो देखो इसको नोट कर लो आप। अब जैसे यही इक्वेशन थी, डी जेड स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई, ठीक है, का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो डी जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, मैंने क्या किया डी टी स्क्वायर, ऊपर नीचे डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ऐसे लिख सकते हैं, और डी टी स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है बच्चों। अब देखो डी जेड कितना आ जाएगा, अंडर रूट डी एक्स बाय डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी टी का होल स्क्वायर, ये थोड़ा गलती कर दी मैंने, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऐसे लिख देंगे तो, ये ऐसे और डी टी स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो टोटल लेंथ, इंटीग्रेशन आएगा जैसे पहले लिखा था, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये भी हो जाएगा ना, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा जब रूट लोगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाय डी टी, अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये, लेकिन बहुत मजेदार है, देखो ये कितनी इजी हो जाएगा ये डी टी, ठीक है, और टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब टाइम की लिमिट रख देंगे टी वन से टी टू, क्लियर है। इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी, टोटल पाथ लेंथ आ जाएगी। अब मजेदार बात बताता हूँ, क्वेश्चन कैसा होगा इस टाइप पे, अगर ऐसा दिया जाता है तो यहाँ आपको कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, क्वेश्चन आएगा कि x इक्वल टू टू टी, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, y इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर, पार्टिकल ऐसे चल रहा है कि उसके किसी टाइम x कोऑर्डिनेट इतना है, y कोऑर्डिनेट इतना है, तो बताओ वो इनिशियल थ्री सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, इनिशियल थ्री सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। क्वेश्चन बोल दूं दोबारा, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन एज दिस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन ड्यूरिंग इनिशियल थ्री सेकेंड, तो उसका मतलब आपको ये पता लगेगा यार टू डायमेंशन मोशन है, डिस्टेंस सीधे नहीं आ सकती, तो सीधे नहीं आ सकती तो तरीका सिखाया मैंने आपको ये। अब देखो तुम यहाँ इसको डी एक्स बाई डी टी करो, कितना आ जाएगा टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बाई डी टी, कितना आ जाएगा सिक्सटी, क्लियर है। अब इस एक्सप्रेशन में रखो, तो इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, अब एक मजेदार बात भी है ये कि यार ये डी एक्स बाई डी टी है तो वी एक्स है ना ये, और डी वाई बाई डी टी है तो ये वी वाई है, यानी कि ये स्पीड का स्क्वायर है और ये स्पीड है ना, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो आप टोटल लेंथ को टी वन से टी टू। अगर एक बच्चा कहता है सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, हाँ बेटा लिख लो ऐसे भी, बस सॉल्व करना चाहिए आपको, सॉल्व करना चाहिए, बताओ टोटल लेंथ पता करनी है ना, लेंथ एल लिख दिया मैंने डेल्टा एल, तो बताओ टाइम की लिमिट क्या दे रखी है, जीरो से थ्री, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, वी वाई का स्क्वायर सिक्सटी का होल स्क्वायर डी टी, ठीक है बच्चों, सॉल्व करो इंटीग्रेशन आपको आता होगा, टोटल लेंथ आ गई, तो एक बेहतरीन तरीका है। जनरली क्वेश्चन ये बच्चे कर नहीं पाते, आपको समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी क्वेश्चन डाउट आउट रहता है तो व्हाट्सएप नंबर है उसमें डालिए, और अगर कोई आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा है जो कोचिंग नहीं करता, जो इतने पैसे नहीं दे पाता कोचिंग के लिए, तो ये वीडियोज़ आप उन तक उस बच्चे तक जरूर पहुँचाइए।